उधर बड़ी खबर आई दक्षिणी गाजा में इसराइल के धुआंधार हमलों से जुड़ी हुई। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास के समर्थन में PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी जंग में उतर आए। उन्होंने इसराइल की सेना से भयंकर लड़ाई का वीडियो भी जारी किया। इससे पहले इसराइल की सेना ने रात भर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके को दहलाया। फिलिस्तीन ने दावा किया कि केवल एक रात में वहां 45 लोगों की मौत हो गई और वहां का नासिर अस्पताल घायलों से पट गया। इस बीच इसराइल की सेना का बयान आया कि उसने दक्षिणी गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है क्योंकि वो यहिया सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती है और इसीलिए उसने दक्षिणी गाजा को भी वही हाल कर डाला जो उसने उत्तरी गाजा का किया था। लेकिन हमास ने दक्षिणी गाजा में हथियार नहीं डाले, उल्टा उसका साथ देने के लिए PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी जंग के मैदान में उतर आए और इसराइल की सेना से भयंकर लड़ाई का वीडियो जारी कर डाला। इस वीडियो में PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इसराइल के सैनिकों पर बंदूक तानकर गोलियां दागते नजर आए। एक तरफ से इसराइल के सैनिकों की ओर से चलाई गई गोलियों की आवाज सुनाई दी तो दूसरी ओर से PIJ के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और बिना रुके फायरिंग करते नजर आए। ये वीडियो दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में चल रही खतरनाक जंग के ट्रेलर जैसा है। इसमें पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके दक्षिणी गाजा की सड़कों और गलियों में दौड़ते और दक्षिणी गाजा में मौजूद इसराइल के सैनिकों पर हमला करते दिखे। वो केवल बंदूकें नहीं बल्कि कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर यहाँ वहां दौड़ते नजर आए और जैसे ही मौका मिला उन्होंने इसराइल की सेना पर रॉकेट दाग दिए। दक्षिणी गाजा में ये खतरनाक लड़ाई हमास का लादेन कहे जाने वाले यहिया सिनवार के चक्कर में हो रही है।